मोदी को प्रधानमंत्री वोट देंगे किसको मारे, चाहे वो राहुल गांधी या उनके पार्टी का कांग्रेस के कोई भी सदस्य हो सकते हैं, जो जीतेगा हमें भी मोदी को। युवा में होना चाहिए बट है कि एजुकेशन में ज्यादा वर्क करे। हाँ, नरेंद्र मोदी का ही उम्मीद है, राहुल गांधी बेस्ट। अभी तो नरेंद्र मोदी अच्छे लग रहे हैं। नीतीश कुमार ही होना चाहिए। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छे जी। हाँ, हम चले आए हैं राजधानी वाटिका। आप ये राजधानी वाटिका का इस तरह का जो निशान आप देख सकते हैं, खुद समझदार आप हैं, ये है बेफ समाचार यूट्यूब चैनल 24x7। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, हमारा आने का यहाँ मकसद है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके पहले यहाँ तमाम जितने लोग घूमने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, उनसे भी राय जानते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। अगला प्रधानमंत्री अभी कैसे बताया जाए, लोकसभा का चुनाव होगा, सदस्य लोग चुनेगा, हम और आप थोड़ी बता सकते हैं। आपकी राय से कौन हो सकता है? मेरी राय तो हम जो पर्सनली है, जो मेरा राय है, मोदी को प्रधानमंत्री वोट देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जीतेगा हमें भी मोदी को। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? वाणी सिन्हा। आप बताइए। हाँ, नरेंद्र मोदी का ही उम्मीद है जी कि अगले प्रधानमंत्री भी वही होंगे। आप आइए। अरे अपना ओपिनियन बता दीजिए ना, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? तान्या शेख। कौन अच्छा लगता है प्रधानमंत्री? अभी तो नरेंद्र मोदी अच्छे लग रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम जितने भी राजधानी वाटिका में जो घूमने के लिए आए, एंजॉय करने के लिए आए, हम उनसे जानकारी लेंगे कि और लोकसभा का जो चुनाव 2019 में होने वाला है, देश का प्रधानमंत्री कौन। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ? सुफियान। सुफियान जी बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? ये नीतीश कुमार ही होना चाहिए। देश का अगला प्रधानमंत्री जी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, नीतीश कुमार को होना चाहिए या नहीं? नीतीश कुमार को होना। तो दोनों जगह बैठेंगे क्या? हाँ सही रहेगा, ज्यादा ही सही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। बताइए क्या नाम हुआ आपका? जी एम हसन हुआ मेरा नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए जनाब, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? देश का अगला प्रधानमंत्री कोई भी युवा ही होना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी या उनके पार्टी का कांग्रेस के कोई भी सदस्य हो सकते हैं। और फिर यहाँ भी बदलाव की ज़रूरत है, यहाँ भी कोई युवा ही होने चाहिए। बिहार के भी कोई भी सीएम जो होते हैं वो युवा में आए तो वो बहुत बेहतर होगा हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? युवा में होना चाहिए बट है कि एजुकेशन में ज़्यादा वर्क करे, किसी पार्टी के एजुकेशन। हाँ, और एम्प्लॉयमेंट दे। एम्प्लॉयमेंट। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए क्या नाम हुआ? जी सनूबर इमाम। आप बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी बेस्ट। राहुल गांधी बेस्ट। पक्का? हाँ पक्का। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे आइए। देखिए बच्चा है भाई, मन के बच्चे जो होते हैं बोल मन के बिल्कुल सच्चे होते हैं। और ऐसे तमाम लोग जितने जो फ्रेंड सर्किल्स का हो या फिर फैमिली का जो हो, हम तमाम लोग से पूछेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। बहुत लोग बोले हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार भी होगा, तो जब देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होगा तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो भी बोला है कि नीतीश कुमार। चलिए दोनों शब्द हो सकता है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए क्या नाम हुआ? सबनम हसन। आप बताइए कौन? नीतीश कुमार। देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। बोले यहाँ के जो सीएम है, ठीक है, वो रिज़ाइन यहाँ का पोस्ट देकर हटा कर करके वो जो होता है बीजेपी में जो होता है अपना बहुमत दे दे, अगर अच्छे से पूरा जो होता है उनके साथ सम्मिलित हो जाए तो वो भी पीएम हो सकते हैं। लेकिन विधानसभा का चुनाव 2020 में होने वाला है और लोकसभा का में, हाँ आगे जा करके, ठीक है, वो जब भी हो सके वो अपना बन सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा। आप बताइए देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? नीतीश कुमार। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। चलिए बिल्कुल सही बात है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ऐसे ही युवा है, क्योंकि वो युवा हैं और वो बहुत सक्षम भी हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि तेजस्वी यादव जो होता है वो बेहतर है यहाँ के सीएम के लिए पोस्ट के लिए। और फिर प्रधानमंत्री भी कोई भी युवा होना चाहिए, कोई भी युवा होना चाहिए प्रधानमंत्री में। तो देखे ना, सब लोग का अलग अलग राय हो सकता है, या तो राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। और हम आपसे लेते विदा, लेकिन विदा के पहले हम आपसे बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक जो हौसला जो मिला है आपका आशीर्वाद से और आगे बढ़ता रहेगा। और हमें दीजिए इजाज़त, देवेंद्र सिंह लड्डू को प्रणाम।